night we are young. Let's set the world on fire so that we can shine better than the sun. Well, hi guys, I'm your Vijay Tanvi and you guys are watching City Trends only on Hathway BDVU because this zamana with the youngsters ka hai. Well, we keep on saying this zamana with the youngsters ka hai because youngsters keep on proving ki bhaiya seriously this zamana with the youngsters ka hai. And that's why mere saath yahan pe kuch amazing youngsters hai jinhone ek shapath li hai ki wo puri duniya ko explore karke rahenge and they will make India a better place to live. Well, we have here Pritesh and Harsh, who are the founders and co-founder of Virtual Group. So, Pritesh and Harsh, सबसे पहले तो आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ आपके ग्रुप के बारे में, that is Virtual Group के बारे में. So, tell me about what is Virtual Group. So, Voyage is basically... So, Voyage basically, I started with the thing, you know, I used to listen from my friends that Indore is a place where we cannot travel and we cannot go, mm-hmm. we cannot find our place to hang out. But then, I loved Indore basically very much. So, mm-hmm. I thought that Indore is not such bad place. We can travel Indore with the very different kind of ways possible. So we are doing that, and then I called Harsh someday that I am planning this tour. फिर लोग बेवकूफ़ बोलने लगे कुछ टाइम बाद कि यार ये क्या कर रहे हो, क्यों फोटोज़ लेके डाल रहे हो, क्यों जगह के बारे में डाल रहे हो. बट देन लोगों ने जब अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, लोगों ने काम देखा. वी हैव 24,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड 3,000 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक. तो ग्लोबली वी आर कनेक्टेड टू ट्रैवलर्स एंड दे कीप टेक्सटिंग अस अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट यू नो वी लाइक योर फीड, वी वॉन्ट टू ट्रैवल टू इंदौर. सो इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन दैट यू नो वी आर पोर्ट्रेइंग इंदौर सच वे सच ब्यूटीफुली. सर, वेल ऐसा होता है कि जब लोग बाग कुछ नया शुरू करते हैं ना, तो मतलब जैसे यंगस्टर्स कुछ नया शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में सब बोलते हैं कि यार बेवकूफ़ है, क्या कर रहा है. बट ऑब्वियसली काम प्रेज होता है, उसके बाद सब आपको एप्रिसिएशन मिलती है. सोशल वाली स्टेज आती है कि सोशल से आपको थोड़ा सा लाइक रेजिस्टेंस महसूस होता है, फिर उसके बाद आपकी घर वाली स्टेज आ जाती है लाइक कि अच्छा सब कुछ हो गया है, अब ये आपकी स्टेबिलिटी का क्या है, व्हाट अबाउट योर स्टेबिलिटी, कि आप पैसा कमा लोगे, सच में कमा लोगे, हैं. तब हम लोग को लगता है कि या कि अब हम लोग को इसको तरीके से लाइक हाँ पूरे सिटी वाइज वो करना चाहिए. सो वेल आई वॉन्ट टू आस्क यू बिकॉज मैं अपने इंदौर की जनता को बताना चाहती हूँ दैट यू बोथ आर इंजीनियर्स, ठीक है. सो हाउ डिड यू गेट इन दिस, मतलब बींग एन इंजीनियर चार साल की कड़ी मशक्कत के बाद, एक तो एंट्रिंग अ कॉलेज, उसके बाद फिर यू नो पूरा इंजीनियरिंग वगैरह पास करके मशक्कत करके उसके बाद यू गेट इन टू दिस मास कॉम मास मीडिया. सो हाउ डिड यू गेट इन दिस? एक्चुअली जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग किया तब मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, यू नो एसएसबी क्लियर हो गया था, हैं. और बट हुआ क्या कि मेडिकल में मैं ये टीथ की वजह से आउट हो गया. तब तक जब मैं सोच रहा था, और इवेंचुअली क्या लाइक मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इसका फ़ोन आ गया, क्या कर रहा है भाई, हैं. अब अपन ने ऐसा सोचा है, ऐसा ऐसा करेंगे, लाइक अब हम सारी सिटी को हम लोग पोर्ट्रे ऐसा कर देंगे कि लाइक हमारी सिटी से बेस्ट कुछ नहीं है जहाँ भी हम जाएंगे. तो इस वे में ये होगा कि आप चाहे कहीं से भी देखें, लाइक आप यूरोप से देखें चाहे यूएस से देखें, तो हमारी सिटी ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ उतनी एलिटनेस भी है हमारी सिटी में कि सब बाहर से आएँ और यहाँ पर आके घूमना चाहें. आप जैसे जनरली देखेंगे कि आप यू नो सोशल मीडिया पर भी ऐसा प्रमोट होता है कि ये गंदा है वो गंदा है, अगर आप पॉजिटिव साइड नहीं जाएंगे, है ना, अगर आप न्यूट्रल पर बने रहेंगे तो कैसे ही मतलब एनकरेज कर पाएंगे किसी को कि ये सिटी गंदी है वो सिटी गंदी है. आप पॉजिटिव स्टेप लें एक बार तो फिर साथ में आपके सभी लोग आ जाएंगे. दैट्स अ ग्रेट थिंग इंडीड. एंड हियर प्रितेश, आई वांट टू आस्क यू कि अब आपने इंदौर एक्सप्लोर किया है एंड इंदौर को बेसिकली मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इंदौर को बहुत ही ज़्यादा हम मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं ये बोलकर कि सिर्फ खाने के लिए फेमस है, सिर्फ खाने के लिए फेमस है. एंड मैं भी इंदौर की नहीं हूँ, बट इंदौर में जैसी आई थी तो मुझे भी खाना 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 बस यही सुनने ज़्यादा. अपार्ट फ्रॉम खाना, वॉट एल्स हैव यू एक्सप्लोर्ड इन इंदौर? वॉट इज़ द बेस्ट पार्ट यू थिंक इंदौर की है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. एंड आई वुड से कि खाना, वी आर प्राउड ऑफ खाना, मतलब पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड में इंदौर इज़ फेमस फॉर इट्स खाना के यार वी हैव द बेस्ट फूड अराउंड. हमारे पास बहुत सारे टेस्टेज हैं, एंशियंट टेस्ट है, बहुत सारा खाना रहता है यहाँ पे. बट दैट्स नॉट ट्रू कि बस खाना है हमारे पास. आई फाउंड दैट इंदौर इज़ अ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इनोवेटिव सिटी, यू नो.
We have around 2000 startups in Indore. We have the powerful youth in Indore. We have a lot of models. We have a lot of singers. We have a lot of people from Indore in the Bollywood. So I think that there are a lot of stories other than food in Indore. कि हाँ खाना बहुत अच्छी चीज़ है. We know that खाने के बारे में सब कुछ हम जानते हैं. But खाने के अलावा I love the stories of the people behind. अगर हमारी कचौड़ी कोई फेमस है और हम उसको दिखा रहे हैं तो वो कचौड़ी आई कहाँ से, वो बनाई किसने. वी वांटेड टू नो दोज स्टोरीज कि यार कचौड़ी फेमस है पर वो क्यों है, उसके लिए लोगों ने जो काम किया है वो देखना चाहिए. सो वी कवर्ड ऑल दोज. दही वड़ा एकदम एग्जैक्टली गिर रहा है तो वो हाँ सच में एक हाँ ठीक है. लेकिन अब इतना ऊपर से चक्के जब हाथ में आता दैट्स अमेजिंग. वो आप कैसे करते हो. वी वांटेड टू नो ऑल दोज स्टोरीज बिहाइंड देयर सक्सेस, बिहाइंड देम मेकिंग इंदौर सक्सीड. इन कभी कभार आप ऐसी स्टोरीज देख लेते हैं, जैसे आपको पता होगा कि इंदौर के पास मोर देन लाइक 20 से ज़्यादा ही वाटरफॉल्स हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक टिंचा में गए थे, वहाँ पर हमको हुकुमचंद जी मिले थे. ठीक है, उसका हम लोग ने डाला भी है ना. एक सेकंड या तो हुकुमचंद जी के साथ क्या था, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे वहाँ पर, बिल्कुल यहाँ से वहाँ फ़ोटोज़ ले रहे थे. तो वो मिले और वो खुद ही आके बताने लगे कि ये देखिए ये हुकुमचंद जी हैं. ठीक है, और ये टिंचा का बैकग्राउंड है पूरा. हाँ, तो वो खुद ही बताने लगे कि उन्होंने मोर देन लाइक जब उन्हें एक अवार्ड मिला था सीएम से, चीफ मिनिस्टर जी से, तब उनने मोर देन 100 डेड बॉडीज वहाँ से टिंचा वाले जो नीचे वाला खाई सी है उससे निकाली थी उन्होंने. ठीक है, हाँ, तब जाके उन्हें अवार्ड मिला था. और अभी भी वो सिंपल, बिल्कुल सिंपल लिविंग है. लाइक कि वहाँ पर जाते हैं अपनी ये हाँ अपने ये कि कोई जाता है और वो कुछ ट्रबल हो जाता है टिंचा में तो वो उसको हेल्प करते हैं. अभी भी रेस्क्यू में है वो उस चीज़ के लिए. तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मतलब लोगों ने या एक्चुअली नाउ पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दोज स्टोरीज दैट वी आर डूइंग दैट एंड दे लव्ड आवर मैगजीन, दे लव आवर पेज, दे लव आवर फीड. बट देन वी डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू यू नो गेट ऑल दोज स्टोरीज. वेल पता है आविन, आपकी स्टोरी सुन के ना मैं ये कह सकती हूँ कि जितने इंदौर के लोग इंदौर के बारे में नहीं जानते, प्रोबेबली इंदौर से बाहर आए हुए लोग उतना इंदौर के बारे में जानते हैं. एंड यू आर सीरियसली हेल्पिंग देम टू नो मोर अबाउट इंदौर. सो वेल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, बिकॉज नाउ यू आर exploring, you are digging out, ठीक है. तो अगर मैं history की बात करूँ तो हमारे youngsters में पता नहीं क्यों ऐसा है कि यार history एक glorious part रहा है अगर Indian history की बात करें तो. ठीक है, so exactly history की वजह से है, लेकिन हम youngsters ज़्यादा importance नहीं देते. तो you really think कि youngsters में कुछ इस चीज़ की कमी है. बेसिकली हाँ, ये नहीं कह सकते कि यंगस्टर इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज वी आर डूइंग यू नो एवरीथिंग विद द कम्युनिटी ऑफ यंगस्टर्स. तो वो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड रहते हैं. बट एक चीज़ होती है ना हमारे इंटरेस्ट की, लाइक कोई लाइब्रेरी में जाके हिस्ट्री की बुक पढ़ना, दैट वॉट बी ए बोरिंग थिंग. अब उस चीज़ को हम सोशल मीडिया पे एक अच्छी पिक्चर के साथ एक अच्छी स्टोरी पोर्ट्रेट करके डालते हैं तो दे लव रीडिंग दैट. दे आर यू नो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि यार आप अगला क्या पोस्ट करने वाले हो, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी. दे रीड दैट एक्चुअली, जो कि उन्होंने हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ा. ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदल गया है या कुछ हिस्ट्री बदली है. हिस्ट्री कैन नेवर चेंज. जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आज से 10 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था. इंदौर में जो हम लोगों ने रिसर्च करी है वो भी थी. बट हमारी रीच हमारे यूथ में ज़्यादा है क्योंकि हम उनकी तरीके से पोर्ट्रे करके चीज़ें उनको दिखा रहे हैं तो वो लोग हमको पसंद करते हैं, वो इस काम को पसंद करते हैं. एंड दे आर एक्चुअली शोइंग इंटरेस्ट इन इंदौर. दे आर यू नो कंसर्न अबाउट ट्रैवलिंग इंदौर. दे आर कंसर्न अबाउट नोइंग प्लेसेज इन इंदौर एंड स्टोरीज लाइक द वे वी डू. हमको मैसेजेस आते हैं, हमको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरे को पर्सनल टेक्स्ट भी आते हैं कि जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर द ट्रैवल एंड दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर, ताकि वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से इंदौर को जान पाए. और कई लोग ऐसे हैं जो इंदौर बॉयज़ देख के दे हैव मैसेज मी कि यार हम सच में आना चाहते हैं इंदौर क्योंकि हम इंदौर ट्रैवल करना चाहते हैं, इतना सुंदर. सो वेल पता है इसमें मैं भी ज्वाइन होना चाहूँगी. क्या कि हम जैसे आप कोई भी सिटीज से कंपेयर करें इंदौर को, इंदौर की जनता बहुत एक्टिव है, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है. ठीक है, हाँ, और क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा उनका वेलकमिंग माइंड है, उनका जो इंटेलेक्ट है ना, जैसा आप कह सकते हैं मिनी बॉम्बे है ये. ठीक है, तो आप सीरियसली अगर आप इंटेलेक्ट को कंपेयर करें तो सच में इंदौर का इंटेलेक्ट ऐसा है कि फाइनेंशियली भी और यू नो क्रिएटिव, हाँ, कि आप कह सकते हैं इसको मिनी बॉम्बे या इंटेलेक्ट वाइज तो बॉम्बे ही है.
वेल, अगर यहाँ पे आपने ना सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में जिक्र किया, तो यंगस्टर्स एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर गो हैंड इन हैंड पैरेलल, मतलब वी आर ऑल सोशली एक्टिव, वी ऑल समटाइम्स. सो वेल, इधर आई वांट टू आस्क यू कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यंगस्टर्स आर दे लाइक यूजिंग दैट इन अ रियली यूजफुल मैनर और दे आर जस्ट लाइक फूलिंग अराउंड? आई वांट टू आस्क यू राइट अबाउट दैट. ऐसा टॉपिक है कि हाँ, जो हर्ट कर सकता है कि आप सिर्फ फोन उठाते हो, ये शेयर किया, वो शेयर किया, पर आप रियली उतने एक्टिव हो कि आप जो शेयर कर रहे हो वो करो? अब जैसे आप देखो कि आप एक छोटा सा रैपर अगर आपके हाथ में है, ठीक है, तो आप चाहोगे उसको कि कहीं कहीं अरेंज कर दें, है ना, कि वो हिडन हो जाए और सब जगह से. बट आप ये नहीं चाहोगे कि मैं पहले डस्टबिन सर्च करूँ और उसमें डालूँ. तो मैं चाहता हूँ कि लाइक यू नो, आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लें इन सब चीज़ों का, है ना. सो बेसिकली सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्ले अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू यूज इन अ रियली गुड मैनर. मेंशन दैट पीपल एंड यंगस्टर बेसिकली आर नॉट यूजिंग दैट प्रॉपरली. लाइक द वे आई स्टार्टेड इन दौर वोएज, आई स्टार्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया ओनली एंड आई केप्ट पोस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर पीपल. बट देन एक नेगेटिव पॉइंट जो यूथ का है वो ये है कि यू नो, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया इन अ वेरी बैड मैनर. दे आर posting abuses, they are writing, you know, they are using the powers in a very negative way, they are emotionally getting attached to the social media. Like if they are feeling upset, they will you know, put a status that I am feeling sad like that. Social media is not for that, you know. Exactly. Social media ke through sabse zyada jo galat cheez hoti hai wo myth मिस जो होती है ना, जो बिल्कुल भी रिसर्च वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ऐसी कुछ भी अपने दिमाग से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, हाँ, फैक्ट्स नहीं होते हैं, वो अपने हिसाब से कोई भी स्प्रेड कर देता है. आजकल जैसे आप देख रहे होंगे कि ग्रुप्स में कुछ भी चला जाता है कि वो ऐसा करते हैं तो वो वैसा, तो ये चीज़ गलत है. लाइक हाँ, आपको एक बार पोस्ट करने के पहले, शेयर करने के पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लेना चाहिए कि वो सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है. सो आपके आंसर से मैं एक क्वेश्चन पे ये आती हूँ कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू बीइंग यंगस्टर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेंज होनी चाहिए उनके माइंड में? अगर कुछ लोचा हो जाए, कुछ केमिकल अगर आपको लोचा करने का मौका मिल जाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चेंज करना चाहेंगे? स्टार्टिंग विद यू. मैं ये बोलूँगा कि जो मुझे यंगस्टर में बेसिकली लगता है आजकल, दे आर लैकिंग पैशन. मैं पैशन पे ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ बिकॉज आई एम फॉलोइंग माय पैशन. तो वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन एंथुजियाज्म इन पीपल जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बट दे आर यू नो रियली गुड आर्टिस्ट, दे कैन पेंट रियली वेल. जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बट यू नो दे आर वेरी गुड सिंगर्स, गिटारिस्ट. या एग्जैक्टली. या नॉट ओनली इंजीनियर्स, इफ वी टॉक अबाउट CA aspirants or someone else, यू नो वी हैव अदर कैपेबिलिटीज ऑल्सो, बट देन वी डू नॉट फाइट, वी डोंट नॉट स्टैंड फॉर आवर पैशन, बिकॉज एक बहुत लंबी जर्नी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें फेसिस करनी होती हैं डेफिनेटली. तो लोग उससे गिव अप कर देते हैं. तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि यार, सारी चीज़ें अच्छी हैं बट डू फॉलो योर पैशन. यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए यही सारी चीज़ें. थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी बट उसके बाद जो मज़ा आएगा ना, वो भी बहुत अल्टीमेट होता है. फॉलो योर पैशन. या आनंद उठेगा, जनता एक्टिव हो जाए. भैया कुछ तो किया करो यार, रेदर देन यूजिंग जस्ट योर फोन. गुलेली ले आओ, गिल्ली डंडा ही खेलो, पर कुछ करो. योर वर्ड्स विल एक्चुअली इफेक्ट. आई यूज माय फोन फॉर लाइक 12-13 आवर्स अ डे. सो यूजिंग अ फोन इज नॉट अ बैड हैबिट, बट देन यू नो यू शुड यूज इट फॉर पर्पस. आप पर्पस के लिए इस्तेमाल करो. व्हेनेवर आई ओपन माय फोन, मैं अपने पर्सनल फेसबुक फीड या इंस्टाग्राम फीड या कोई भी फीड में बहुत कम रिव्यू करता हूँ. आई जस्ट ओपन इट फॉर द इंदौर वॉइस थिंग, सो दैट आई कैन रीच पीपल, आई कैन रीच यू नो जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारे करने के लिए. सो आई यूज माय फोन फॉर 12-13 आवर्स. तो वो खराब चीज़ नहीं है, उसको देयर इज नो हार्म अबाउट. या देयर इज नो हार्म अबाउट दैट, बट देन डू फॉलो योर पैशन. एंड जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप फोन भी यूज कर रहे हो तो उसको पॉजिटिवली यूज किया. एग्जैक्टली. वेल हर्ष, हियर आई वांट टू आस्क, एक्चुअली आई वांट यू आस्क बोथ यू गाइस, जो सोशली अभी जो अफेयर्स चल रहे हैं, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, नॉट इवन करंट अफेयर्स, मैन लेट्स जस्ट बी स्पेसिफिक, ईव टीजिंग, दैट्स अ रियली बिग इशू इन दिस कंट्री. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ईव टीजिंग, मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट आर द यू नो दे आर द मैटर्स विच रियली एक्चुअली मैटर इन अ वे कि आप अदर पर्सन गेट्स मेंटली टॉर्चर्ड. ठीक है, सो बीइंग अ मैन, व्हाट डू यू हैव टू से टू द गाइस वाचिंग यू आउट देयर? सो स्टार्टिंग विद यू हर्ष. मेरा तो ये कहना है कि अगर आप जैसे भी हैं, ठीक है, आप किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते अपने आप को पसंद करने के लिए, पहली बात.
अगर आप उसको रेज में ले लेते हो, उसके थ्रू एंगर करते हो, तब ये सब चीज़ें निकलती हैं। अगर आप सिंपली चलोगे तो आपके अंदर से ही ये सब ख्याल नहीं आएंगे कि आप ये ईव टीजिंग करो या कुछ भी, मतलब ऐसा अंदर से निकल के आए। समझ रहे हैं ना? हाँ। What do you have to say about that? I would say that it's really shameful for, you know, each and every man around the kind of things that we see that are happening, you know, in terms of a female or whatever. But उन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए मुझे सबसे पहली चीज़ उन लोगों की मैंटेलिटी नहीं समझ में आती है कि जो लोग ऐसा करते हैं। मतलब इट्स लाइक इफ़ यू आर एजुकेटेड, आपको नॉलेज है, तो आप ऐसा क्यों कर सकते हो? अब उनको वॉश आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इट्स लाइक वी कैन नॉट इवन अवॉइड देम। दैट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। तो हमको उनकी मैंटेलिटी वॉश करनी पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों की गंदी सोच हो गई है, बहुत ज़्यादा गंदी सोच हो गई है। वो लोग फन नहीं है उनके लिए ये चीज़, या कुछ भी किसी के लिए ये फन नहीं होता, किसी को छेड़ना या परेशान करना। अगर Actually, हम लोग साथ में बैठे हैं, आप डरा हो जाता है, सामने वाले को टॉर्चर करो, एंड दैट्स अ रियली वेरी शेमफुल थिंग। बहुत खराब चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ लगती है, अगर आपको किसी से मिलना है या बात करना है, तो देयर इज अ वे, आप उनसे बोलो। एंड नो मीन्स नो, जो चीज़ है नो मीन्स नो। अगर किसी ने बोल दिया कि हमको आपसे बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, दैट्स फिनिश। अब उसके बाद आप आगे जाके उसको परेशान करो, ये करो, दैट्स वेरी शेमफुल, दैट्स वेरी चीप। और अगर कोई भी बंदा करता है ये चीज़, तो उसके लिए भी बहुत शर्म वाली बात है। गेट सम रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स, उन लोगों को अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ, अच्छे तरीके से ट्रीट करो, ताकि उन लोगों को भी अच्छा लगे, आप लोगों के साथ फ्रेंडशिप करें, आप लोगों के साथ बात कर पाएँ। ये सब, दिस इज़ नॉट अ वे, एंड दिस इज़ वेरी चीप। आप अपना सारा बैकग्राउंड, अपनी सारी चीज़ें इससे दिखा देते हो, जो गंदी हरकतें होती हैं। तो प्लीज़ यार, ये सब मत करो। जो भी अगर करता हो या नहीं करता हो, या जो भी देख रहा हो, जिन तक भी मेरी बात पहुंच रही है, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सुधर जाओ। बहुत सारे अच्छे काम है दुनिया में करने के लिए। खाओ, पियो, घूमो, ट्रैवल करो। ट्रैवल इज़ द बेस्ट एस्केप फॉर मी। आप ट्रैवल करो, आप घूमो, आप जाओ, लोगों से मिलो, इंट्रैक्शन करो। यू विल गेट टू नो कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं दुनिया में जो आपको देखने हैं, करने हैं, अदर देन ऑल दिस चीप स्टफ। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यू नो, बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रैवल के थ्रू बढ़ता है, और उससे उसी से आप वाइज हो पाओगे। जब वाइज हो जाओगे, तब आप अपने आप ही नहीं करोगे ये सब चीज़ें। ये सब बहुत ही ज़्यादा, मतलब हाँ। एंड आई होप आपका जो इतना मोटिवेटिंग वर्ड्स थे, वो हमारे सबके यूथ के पास गए हो। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, एक मैसेज यू वॉन्ट टू कन्वे टू आर यूथ, बिकॉज यूथ इज़ लाइक आर फ्यूचर, सो लेट्स जस्ट बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। सो एक छोटा छोटा मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें। मैं फिर से वही मैसेज कन्वे करना चाहूँगा जो मैं सबको ही बोलता हूँ, कोई भी मुझसे पूछता है या कुछ भी करता है, कि डू फॉलो योर पैशन। अपना पैशन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ में आगे जाओ, आपको मज़ा आता है, यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ योर पैशन बेसिकली। तो डू फॉलो योर पैशन, शो सम रिस्पेक्ट टू गर्ल्स, एंड ट्रीट देम वेल, मेक यू नो वर्ल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, एंड कीप लविंग इंदौर, एंड कीप ट्रैवलिंग इंदौर, एंड कीप फॉलोइंग इंदौर वॉइस। नाइस नाइस, या जस्ट बिकम एक्टिव एंड वाइज, दैट्स इट। वाओ, दैट वाज स्वीट, शॉर्ट एंड सिंपल। थैंक यू गाइस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, टू यू नो यूथ तक आपकी जितनी भी बातें पहुंची, आई होप दे आर मोटिवेटेड बाय योर वर्ड्स, बिकॉज आई एम हियर। सो वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस। दिस वॉइस सैल्यूट टू यू। वॉइस सैल्यूट, दैट इज अ वॉइस सैल्यूट। ओके, थैंक यू गाइस। सो वेल, आज मैंने कुछ बहुत ही अमेजिंग यंगस्टर्स से बात करी, एंड यू नो एक सम अप पे मैं ये पहुंची हूँ, दैट इफ यंगस्टर्स हैव दैट पैशन टू डू समथिंग, दे कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, एंड दे कैन एक्चुअली चेंज दैट। सो लास्टली आई वांट टू से दैट नेवर कॉम्प्रोमाइज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की, एंड इफ यू डू दैट, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। सो विद दैट, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। सो आई एम योर विजय तन्वी, साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन मिस्टर मनीष राव जागा जी, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे बी रिव्यू, क्योंकि इस जमाना है वी द यंगस्टर्स का, फोकसिंग यंगस्टर्स। बाय बाय।